सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार तांडव मचा रहा है और सोनीपत में कुछ ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसने सभी को अचंभित कर दिया है। सोनीपत के एक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर फेस मास्क पहना दिया। सोनीपत में महाराजा अग्रसेन, छोटू राम और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फेस मास्क पहनाया गया। सामाजिक संगठनों का कहना है कि वो इस कदम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जब भी घरों से निकले फेस मास्क लगाकर निकले, क्योंकि 2 गज की दूरी और फेस मास्क है जरूरी। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। महावीर शर्मा ने बताया कि पूरे देश में एक बड़ी कोरोना महामारी है। हम सोनीपत की जनता से अपील करना चाहते हैं कि घर से बाहर निकले तो मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी अवश्य रखें। हमने सोनीपत शहर में चौक चौराहों पर जिस तरह हमारे महापुरुषों की मूर्ति है उनको मास्क लगाया है, ताकि जो लोग मास्क नहीं लगाते वो लोग इनसे सीख लें। अगर जीना जरूरी है तो मास्क भी जरूरी है। घर से किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर निकले, वरना अपने घर पर ही रहें। सोनीपत शहर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं सब पर हमने मास्क लगाकर सोनीपत की जनता को संदेश दिया है कि मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। शहर के दुकानदारों से भी अपील करते हैं कि बगैर मास्क लगाए हुए किसी भी व्यक्ति को सामान ना दें। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। देखो, आज देश में पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी महामारी है कि पूरा वर्ल्ड इसे हिला हुआ है। हम सोनीपत की जनता से अपील करना चाहते हैं, जो महान पुरुष हम इनको पूजनीय मानते हैं, इनको देख करके कम से कम जो लोग मास्क नहीं लगाते वो ज़रूर मास्क लगाएंगे। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि मास्क बगैर तो घर के दरवाजे तक भी न तो निकलो न चाहो। क्या इन संदेश इस मूर्तियों शहर की सभी मूर्तियों पर लगाई? सोनीपत की शहर की जितनी भी प्रतिमाएँ हैं हमने सभी पर लगाए हैं, कोई भी प्रतिमा हमने नहीं छोड़ी। और हम हर दुकान पर यह भी अपील कर रहे हैं, भाई मास्क लगाए बगैर किसी को न तो सामान दो न किसी को दुकान पर आने दो। मैं नकिन मेहरा एडवोकेट, और मेरा संदेश ये है कि जैसे ही हमने मुहिम चालू की है, महावीर जी, नितिन जी वगैरह सभी को साथ मिलकर एक मुहिम चालू की है। सोनीपत की इतनी मूर्तियाँ हैं जो महापुरुषों की मूर्तियाँ, उन पर सभी पर हमने बड़े साइज के मास्क बनाए और ऊपर लगाए हैं मिलकर के। और इनका मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहा है कि ये जो मास्क होता है ये कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ी सुरक्षा का कार्य करता है एक व्यक्ति के। और मैं कहना चाहूँगा आज भी लोग उस चीज़ से अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है मास्क के प्रति, और वो बिना मास्क के घूमते हैं। मैं उन लोगों का संदेश देना चाहता हूँ जिन लोगों के घरों से परिवार से कोई सदस्य कोरोना के कारण मृत्यु होकर के मरता है, उनके ऊपर कितनी बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को समझते हुए हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए कि मास्क और 2 गज की दूरी और हाथ धोना, इन तीनों का विशेष रूप से हमेशा ही पालन करें। और यही हमारा कोरोना से बचाव के लिए बहुत बड़ा हथियार है, और इस हथियार से ही हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।